हेलो दोस्तों दोस्तों हमारा ये नया चैनल है स्टडी इंडिया। यहाँ पर हम जीके का क्वेश्चन और आंसर लाते हैं आप लोगों के लिए। जो लोग एपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या फिर डीआरडीओ और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम का हम जीके लाते हैं, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। ठीक है, हमारा नया चैनल स्टडी इंडिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन लाया है, तो आगे बढ़ते हैं। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर पहला जो सवाल है वो यहाँ पर दिखा हुआ है, शुक्ला इरीगेशन प्रोजेक्ट इस लोकेटेड इन हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, जो शुक्ला आसाम का जो शुक्ला इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बारपेटा, ऑप्शन बी बाक्सा, ऑप्शन सी नलबारी एंड ऑप्शन डी केशपुर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जो शुक्ला इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, आप बैठे क्वेश्चन नंबर टू पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो शुक्ला इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये इस क्वेश्चन को एपीएससी में आया था। ठीक है, आप बैठे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, क्वेश्चन नंबर टू पर। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ ऑथर ऑफ द फेमस बुक इंडिका। ठीक है, जो इंडिका बुक है उसका ऑथर कौन है, यानी कि राइटर कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मेगा स्टानिस एंड ऑप्शन डी जे बी सी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी मेगा स्टानिस। ठीक है, इंडिका बुक का जो लेखक का नाम है वो है मेगा स्टानिस। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री पर। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ एंथ्रोड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जे बी से, ऑप्शन बी मेगा स्टानिस, ऑप्शन सी ज्ञान से जैन एंड ऑप्शन डी ए पी अब्दुल कलाम, ए पी जे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो आंसर है, सही आंसर है ज्ञान सी जैन। ठीक है, अब आठ क्वेश्चन नंबर फोर पर। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आसाम लार्जेस्ट सिटी। आसाम का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी इस क्वेश्चन का सवाल आप सब लोगों का मालूम ही है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी तेजपुर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी जो है वो आसाम का लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर फाइव पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसाम पुलिस का जो एक कॉन्स्टेबल का रिटेम एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था, आज से 3 साल पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव, द स्टेट आसाम सेट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद डैश एंड डैश कंट्रीज। ठीक है, आसाम का जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो कौन कौन कंट्री से पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए भूटान एंड बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान एंड सिक्किम, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड सिक्किम एंड ऑप्शन डी भूटान एंड म्यांमार। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, भूटान एंड बांग्लादेश, ऑप्शन ए जो है वो भूटान एंड बांग्लादेश वो होगा इसका आंसर, द स्टेट आसाम से इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ भूटान एंड बांग्लादेश कंट्रीज। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, व्हिच स्टेट इज टू द नॉर्थ ऑफ आसाम। वो कौन सा स्टेट है जो आसाम का उत्तर साइड में आता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर एंड ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर जो होगा होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आसाम का नॉर्थ साइड में पड़ता है। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर सेवन पर। यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वॉज बोर्न द इंडियन पोलिटिकल पार्टी इन बीजेपी। ठीक है, जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो पार्टी कब स्थापित हुआ था, यानी कि कब एस्टाब्लिश हुआ था उसका। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1955। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी सी 1951। 1951 में इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, ठीक है, बीजेपी पैदा हुआ था। अब बताएं क्वेश्चन नंबर एट पर। यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इसरो। इसरो कब स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए 5th अगस्त 1969, ऑप्शन बी 5th नवंबर 1969, ऑप्शन सी 10th अगस्त 1969, ऑप्शन डी 10 10 तो नवंबर होना चाहिए यहाँ पर।
ठीक है 10 नवंबर 1969। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए, ठीक है 5 अगस्त 1969। ठीक है, और एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को काफ़ी बार डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, यहाँ पर पूछा गया है द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द, जो असम का जो इंडिया का लार्जेस्ट इरीगेशन कैनल को किस नाम से बुलाया जाता है या फिर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी कैनल, ऑप्शन बी नेहरू कैनल, ऑप्शन सी टर्मिनल कैनल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट इरीगेशन कैनल है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो डीआरडीओ का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसका लेखक यानी कि फादर कौन है, किसने उसे पैदा किया था या फिर लिखा था। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी ए पी जे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर सब लोगों को शायद मालूम ही होगा, अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 11 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, वो कब स्थापित हुआ था, इन व्हिच ईयर एस्टैब्लिश। ठीक है, ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1916 एंड ऑप्शन डी 1916। ठीक है, सही आंसर जो होगा वो होगा 1958 को डीआरडीओ स्थापित हुआ था। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रेलवे एग्जाम में 2 बार देखा गया था। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज बोर्न बाय बाबा साहब अम्बेडकर कब पैदा हुआ था, कौन सी ईयर में पैदा हुआ था। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1892, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 1899, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1891। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का पैदा हुआ था, अम्बेडकर जी पैदा हुआ था। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 30 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज इंडियन फर्स्ट लॉन्च नाग मिसाइल, भारत ने पहली बार कौन सी ईयर में नाग मिसाइल लॉन्च किया था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1919 एंड ऑप्शन डी 1995। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 1997 को भारत ने नाग मिसाइल लॉन्च किया था, पहली बार लॉन्च किया था। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 40 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज इंडियन फर्स्ट लॉन्च आकाश मिसाइल, भारत ने पहली बार कब आकाश मिसाइल, कौन सी ईयर में आकाश मिसाइल पहली बार लॉन्च किया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997 एंड ऑप्शन डी 1998। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1919 को भारत ने पहली बार आकाश मिसाइल लॉन्च किया था। अब बताए क्वेश्चन नंबर 50 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज इंडियन फर्स्ट लॉन्च अग्निवान मिसाइल। ठीक है, अग्निवान मिसाइल कब लॉन्च किया गया था, भारत ने अग्निवान मिसाइल कब लॉन्च किया था। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002 एंड ऑप्शन डी 2005। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 2002 को भारत ने पहली बार अग्निवान मिसाइल लॉन्च किया था। ठीक है, आप बताए क्वेश्चन नंबर 60 पर, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, भारत का पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था। ऑप्शन ए इंसान बी, ऑप्शन बी स्पटनिक 1, ऑप्शन सी आर्यभट्ट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी।
ठीक है, आर्यभट्ट। ऑप्शन दी पहली बार जो अठीवर से लाइक बनाया था वो था आर्यभट्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी दो बार आया था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 पर, यहाँ पर पूछा गया है इंडिया एंट्रेड द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट इन, ठीक है, भारत ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट कौन सी ईयर में एंट्री किया था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 एंड ऑप्शन डी 1935। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 1932 को भारत ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट मैच में एंट्री किया था। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, कौन सी इन व्हिच डे, कौन सी डे में मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जुलाई एंड ऑप्शन डी 29 जुलाई। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 90 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए एस बी से, ऑप्शन बी जे बी से, ऑप्शन सी विलियम ब्रिस एंड ऑप्शन डी लारेट ब्रिस। ठीक है, सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी जे बी से को पहली बार मार्केट लॉ यानी कि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच बैटल एस्टैब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडियन मूवमेंट एंड ऑप्शन डी द बैटल ऑफ पलासी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी। ठीक है, द बैटल ऑफ पलासी, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था रिटन एग्जाम, वहाँ पर ये एग्जाम क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21 पर, यहाँ पर पूछा गया है खलीफा कमिटी वाज फॉर्मेड एट, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी थाने, ऑप्शन सी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी लखनऊ। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी बॉम्बे। ठीक है, खलीफा कमिटी कहाँ पर फॉर्मेट यानी कि स्थापित हुआ था, ये भी एक को कहा जा सकता है कौन सी स्थान में। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी थाने, ऑप्शन बी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी लखनऊ। सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बॉम्बे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 22 पर, यहाँ पर पूछा गया है गायत्री मंत्र एड्रेसाइट टू व्हिच गॉड। ठीक है, गायत्री मंत्र को कौन सी भगवान को उपासा जाता है। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, शिव। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 23 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज पब्लिश बाय द बुक डिस्कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन व्हिच ईयर वाज पब्लिश बाय द बुक डिस्कवर ऑफ इंडिया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। इन व्हिच ईयर वाज, और ऐसा भी आ सकता है हु रोट द बुक फेमस बुक डिस्कवर ऑफ इंडिया। ये जो होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवर ऑफ इंडिया जो बुक है इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज पब्लिश बाय द बुक डिस्कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवर ऑफ इंडिया जो बुक है वो कौन सी ईयर में पब्लिश किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 12 नवंबर 1945, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1946, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1947 एंड ऑप्शन डी 20 नवंबर 1946। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 14 नवंबर 1946 को। ठीक है, ये देख लीजिए 14 नवंबर 1946। ठीक है, 14 नवंबर 1946 को डिस्कवर ऑफ इंडिया जो बुक है इसको पब्लिश किया गया था। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 24 पर, यहाँ पर पूछा गया है द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज दिस। ठीक है, हमारा बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गेन है वो कौन सा है ह्यूमन बॉडी का यानी कि मानव शरीर का। ठीक है, ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी स्टेप्स एंड ऑप्शन डी नॉइज। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी स्किन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 25 पर, यहाँ पर पूछा गया है द न्यूली फाउंडेड
संस्कृत द न्यूली फाउंडेड संस्कृत यूनिवर्सिटी इन आसाम इज सिचुएटेड एट दिस, ठीक है, जो आसाम का तो हाईली यानी कि अब कुछ सालों से यानी कि कुछ दिन में बनाया गया था संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था संस्कृत यूनिवर्सिटी? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए नलबारी, ऑप्शन बी तेजपुर, ऑप्शन सी बरपेटा, ऑप्शन डी गुवाहाटी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए नलबारी, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को APSC में देखा गया था, ठीक है। सही आंसर जो होगा वो होगा नलबारी, ठीक है, नलबारी में संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ, न्यूली हुआ, ये अभी कुछ सालों में हुआ था, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक लाइक कर देना, और आप क्या देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।